हेलो फ्रेंड्स, नेचुरल इंडियन टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम धान से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि धान निकलने के बाद, उसमें धान लग जाने के बाद कौन सा कीटनाशक का यूज हम करेंगे। दोस्तों, धान से रिलेटेड जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ कि हम धान की खेती कैसे करें और हमें धान को कितने कितने दूरी पर लगाना है, इससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो में ही दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें धान लग जाने के बाद कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो और हमारे फसलों के लिए भी लाभदायक हो, जो हमारे फसलों के ऊपर बैठे हुए टिड्डी कीट पतंगे। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे फसलों के ऊपर बैठे हुए नष्टकारी जीव मर जाते हैं और हमारे फसलों की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टैंक को पानी से भर लेते हैं और इसमें हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, यह है साइपर 25। इसके फसलों में प्रयोग करने से उसके ऊपर बैठे हुए कीट पतंगे या फिर टिड्डे वगैरह इसकी गंध सुनकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे धान बहुत ही स्वस्थ रहते हैं और हमें इनकी अच्छी उपज देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, हम अभी इसे खोल लेते हैं और दोस्तों, पानी से भरे हुए फुल टैंक में हम लगभग 50 ml तक इस दवा को डाल देंगे। और दोस्तों, यह है केवा कंपनी का एग्रो 80+, जिसको डालने से आपकी लिक्विड को या पतला कर देता है और बहुत ही बढ़िया फुहारा निकलता है। तो चलिए 50 ml हम इसे भी डाल देते हैं। दोस्तों, इसे डालने के बाद अभी इसको अच्छी तरह से और दोस्तों इस तरह से इसमें छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने कोई भी धान की खेती की है तो ये बताइए कि कौन सा धान है, और दोस्तों सही उत्तर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आप उत्तर सही दे पाए इसीलिए मैं वीडियो जूम करके भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इसके कटाई के समय भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और फसलों से रिलेटेड जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। कृपया आप मेरे चैनल पर आएं और वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल इंडियन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।